गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वॉइस आ रही है आप लोगों को? आ रही है। ओके ओके, लास्ट क्लास में कितना किया था हमने? लास्ट क्लास में वो फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था ना, ए प्लस बी का किस टाइप का फॉर्मूला, जो के स्क्वायर माइनस टू या के स्क्वायर प्लस टू का। देखो अब जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था के स्क्वायर माइनस टू वाला, देखा था ना, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के है तो उसकी वैल्यू के स्क्वायर माइनस टू होती थी, या के स्क्वायर माइनस सॉरी वन एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के है इसकी वैल्यू क्या होती थी, के स्क्वायर प्लस टू होती थी। ठीक, इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, कंसेप्ट भी हमारा हो गया। तो नेक्स्ट टाइप का कंसेप्ट ऐसा है कि सर्टेन कंडीशन ऐसा दिया हुआ हो, सपोज करो आपको दिया वैसे इफ एक्स इज इक्वल टू टेन देन फाइंड फाइंड एक्स क्यूब एक्स पावर फोर ले लो एक्स पावर फोर माइनस इलेवन एक्स क्यूब प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस टू, इस तरह से दिया हो और इसकी वैल्यू निकालना हो कि इफ एक्स इज इक्वल टू टेन, ठीक है ना, टेन लेके अगर निकालना है, टेन अभी दिखाई दे रहा होगा कि चलो टेन है, जितनी बार स्क्वायर करेंगे उतना जीरो बढ़ा देंगे, इजी आ जाएगा। लेकिन टेन के अलावा कोई भी नंबर जा सकता है वहां पे, टेन के अलावा कोई भी नंबर आपके लिए जा सकता है, टेन कोई नेसेसरी नहीं है कि इक्वल टेन ही आया है, ठीक है ना। तो आपको वहां पे कोई भी नंबर जाता है तो फिर कैसे करोगे, ठीक है, इसके क्या प्रोसेस है, कैसे यूज करते हो इसको। तो देखो क्या कर सकते हो, एक तो पहला तरीका है किसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, फर्स्ट तरीका है कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है एक्स इज इक्वल टू टेन ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, आंसर निकालो, पहला तरीका ये है। सेकेंड वे क्या है कि इसको क्यों ना इलेवन टेन को इलेवन के फॉर्म में ऐड कन्वर्ट कर लें, अगर इसको इलेवन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी वन ऐड कर देंगे और इस साइड भी वन ऐड कर देंगे, तो दोनों साइड वन ऐड कर देंगे क्या, अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी वन ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में भी वन ऐड कर दिया, ये बन गया क्या एक्स प्लस वन, ये कितना बन गया इलेवन बन गया। इसका मतलब जहाँ पे इलेवन है उसकी जगह पे क्या डाल सकते हो आप लोग, एक्स प्लस वन, जहाँ पे इलेवन है वहाँ पे क्या डाल सकते हो एक्स प्लस वन, तो क्या आएगा अगर ऐसा करते हो, एक्स की पावर फोर एक्स प्लस वन एक्स की प्लस इलेवन हटा दो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस का, देखो क्या होगा एक्स पावर फोर माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस का साथ में मल्टीप्लाई करेगा बाद में माइनस मल्टीप्लाई, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा फोर प्लस एक्स के पावर क्या होगा एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स के पावर थ्री प्लस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे फिर से माइनस का ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, जो भी ब्रैकेट होगा ये माइनस का क्या होगा एक्स के पावर फोर माइनस एक्स का क्यू, फिर क्या हो जाएगा प्लस एक्स का क्यू प्लस एक्स का स्क्वायर, इस माइनस का फिर से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो देखो क्या हो रहा है एक प्लस एक्स के पावर फोर से माइनस एक्स के पावर फोर, प्लस एक्स के पावर थ्री से माइनस एक्स के पावर थ्री से प्लस एक्स पावर थ्री कैसे, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैसे,
बचा क्या आपके पास, माइनस एक्स प्लस टू। एक्स की वैल्यू कितनी है, टेन, तो माइनस टेन प्लस टू दैट में कितना हो गया माइनस फाइव। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या इतना प्रोसेस करना है, योर वीडियो इज नॉट, वीडियो सभी को नहीं दिखाई दे रही है, हेलो दिखाई दे रहा है सर। ओके ओके, तो आप अपना नेटवर्क चेक करो, क्या नाम था, मैंने नाम पर ध्यान दिया नहीं, एक बार नेटवर्क आप चेक करो अपना, या फिर से मोबाइल स्विच ऑफ करके रिज्वाइन कर लो आप। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करना है, अब इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हर बार क्या एक्स प्लस वन बनाओ, ऐसा देख लो कि जो मैक्सिमम पावर है ना उसका कोफिशियंट वन हो, और सब अल्टरनेट साइन था, सभी क्या अल्टरनेट साइन, यानी यहाँ पे नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा का साइन जा रहा है। तो लास्ट में जो पावर बचता है ना, यहाँ पे जो पावर बचता है ना, उसकी साइन के साथ वो वाला वेरिएबल ले लो, बात करते क्या किया इसकी, जैसे यहाँ पे क्या माइनस इलेवन एक्स बचा, तो आपको लास्ट में क्या लेना, माइनस का एक्स लेना है और इलेवन को रिमूव करना है, इधर की जो भी वैल्यू है टू है थ्री, जितना तक ब्रेक हो रहा है उतने तक आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लेना है, जहां तक ब्रेक नहीं होगा वहां तक उस फॉर्म में नहीं लेना है, समझ में आ गया, बस इतना ही करना। इनडायरेक्ट इससे देखो, अरे भाई इस तरह से अगर है कन्वर्ट करने के फॉर्म में हो, कन्वर्ट हो पा रही हो, तो आप यहाँ पे अल्टरनेट साइन, इसका जो मैक्सिमम पावर उसका कोफिशिएंट वन हो, और सभी अल्टरनेट साइन में हो, यानी माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जो भी है अल्टरनेट साइन में है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो साइन बचेगा, अगर प्लस बचेगा तो प्लस का एक्स लोगे, माइनस एक्स बचेगा तो माइनस का एक्स लो, और प्लस जो कांस्टेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो करने का मतलब ये है कि लास्ट वाला डायरेक्ट ले लो आप, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या सभी को, क्लियर हुआ सभी को, या किसी कंफ्यूजन है, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो कहीं तो बताए, क्या ऑफिस का रिप्लाई नहीं आ रहा, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ये देखो ओके हो गया ना, हाँ सर, क्वेश्चन देखते हैं,
इसकी वैल्यू बतानी है। इलेवन ओके और किसी का? और किसी का? चलो देखते हैं क्या करना है। मैंने ये बोला था कि ये मैक्सिमम जो पावर ना उसका कोफिशियंट वन होना चाहिए। देखो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशियंट वन है, सभी अल्टरनेट साइन में होना चाहिए। देखो ये माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, ठीक है। फिर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में x पावर 6, x पावर 5, x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, लास्ट में क्या रुका है x पावर 1। तो मैंने क्या बोला लास्ट वाला टर्म ले लो, लास्ट वाला टर्म ले लो। लास्ट वाला टर्म क्या प्लस का x, तो प्लस का x ही आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 11, 11 हो जाएगा। ये तो बोला था ना, अब हर बार ये सारी चीजें कन्वर्ट तो करने की जरूरत है नहीं हमें, हम कन्वर्ट करेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं हमें, या ना कन्वर्ट कर सकते हम लोग। हो गया इसकी वैल्यू देखो
कितना 10। और कुछ देखो 10 के अलावा और किसी नहीं आया। और किसी स्टूडेंट का नहीं। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, क्या प्रॉब्लम हो गई? चलो फिर देखते हैं। चलो देखें इस क्वेश्चन को। देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 है ना, देखो यहाँ पे अल्टरनेट साइन है, यहाँ पे x पावर पहले 5 है, यहाँ पे -14x पावर 4 है +14x, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसको क्या कर सकते हो, देखो x के पावर 5 -14x के पावर 4 +14x के क्यूब -14x² -x² कर लोगे प्लस टू, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर से ये -15x हो जाएगा। अब यहां से यहां तक वैल्यू तो सेम है, अल्टरनेट साइन में है, +14 में ब्रेक हो पाएगा x +1 डाल के, तो इसका मतलब इसकी लास्ट वाले की पावर लेना आती है, यहाँ पे क्या लेंगे -x² लेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम लोग क्या क्या ओनली -x² लेंगे, यहाँ पे क्या है -x² प्लस क्या लेंगे 2, तो क्या होगा -2x² +2 हो जाएगा, तो -2 × x² 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, तो -2 × 169 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 9 × 2 = 18, 6 × 2 = 12 +3 2 × 2 प्लस आ गया -2 = 30। यही करना था, यानी कि यहाँ पे जो 15 था ना, वो 15 को क्या करना था, आपको ब्रेक करना था, अगर 15 को ब्रेक कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या आपको? 15 में बस ब्रेक करना था 15 को, और कुछ भी नहीं करना था। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? क्यों रिप्लाई बहुत कम आ रहा है? ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग? ज्वाइन भी काफी ज्यादा लोग हुआ है।
हो गया नोट। हेलो हाँ जी बोलो। सर, वो 15x को ब्रेक किया इसलिए वो -x पहले लिया क्या, वो लास्ट वाला? ठीक हाँ, मैं 40 माइनस 14 एक्स स्क्वायर या प्लस 14, तो नहीं, हो मैं गया ना कह 15। हाँ मैं कह -x2+2 ले रहा था, तो मेरा वो 160 कुछ आ रहा था। नहीं, अगर वो ब्रेक कर पाओगे तब ना, अगर ब्रेक नहीं हो पा रहा है, देखो अगर वो हम लोग 14 को 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14 ही आएगा, 15 नहीं आएगा, तो हटाएंगे ना हम लोग। ऐसा देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर इन्वॉल्व करता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो यही थोड़ा सा चेंज करेगा और कुछ नहीं चेंज करेगा। क्लियर? अच्छा ओके, नोट कर लो आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो जाए नोट तो बताओ वो। हो गया नोट? हाँ सर, ओके, इसकी वैल्यू बताओ।48 है क्या सर? कितना रहा है? 48 48।
और किसी का? चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे 11 है ना, तो देखो 11 को 12 में ब्रेक कर सकते हो एंड 12 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 माइनस 12 एक्स के पावर 4 प्लस 12 एक्स के पावर 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम यहाँ पे है 10 एक्स है, ये भी 12 एक्स आता तो ईजी जाता, लेकिन ये है तो क्या कर सकते हो, 12x कर सकते हो माइनस का 2x कर सकते हो प्लस 15 कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या इतना करने में? 12x माइनस 2x कितना होगा, 10x ही होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो खत्म, क्या लिख दोगे डायरेक्ट x लिखोगे, फिर माइनस 2x प्लस कितना 15, क्या होगा माइनस एक्स प्लस 15 कितना हो गया माइनस 11 प्लस 15, दैट मीन्स कितना हो गया 4, कितना आ गया 4 आंसर इसका। किसी एक क्वेश्चन और कर लो तो कुछ और सीखते हैं हम लोग। हेलो, हाँ तो लास्ट में 2 बार प्लस इसलिए ऐसा नहीं है? नहीं, 2 बार कहाँ प्लस लिया है? लास्ट में जो क्वेश्चन में लास्ट में +10x प्लस 50 में इसलिए ऐसा माइनस में लिया है कि मैंने प्लस में लिया था एक्स प्लस 2x प्लस 50 ले लिया था, इसके साथ गलत हो गया। नहीं तो आपको 12 में ब्रेक करोगे ना, 11 है तो 11 में प्लस 1 ऐड करोगे ना, अब प्लस 1 ऐड करोगे 12 आएगा, तो 12 में ब्रेक करोगे ना, 10x को 12x में ब्रेक करोगे, 12x माइनस 2x करोगे ना आप। मैंने कहता सर 10x प्लस 2x कर दिया था, उसको 12 में ही करने के लिए कर दिया था, लेकिन प्लस में कर दिया था x प्लस 2। नहीं, 10x प्लस 2x करोगे तो फिर मान लो कि 12x हो गया, तो जो 2x ऐड कर रहे हो उसको कहीं कंपनसेट भी तो करोगे ना आप, नहीं, अगर ऐड कर रहे हो तो 2x को एक्स्ट्रा अपने साइड से ऐड कर रहे हो ना आप, तो 2x ऐड कर रहे हो 2x सब्ट्रैक्ट के भी तो करोगे ना आप। तो आपने ऐड करने के लिए तो कर दिया लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं किया आपने। चलिए चलिए ऐसे क्वेश्चन और दो, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से देते हैं, हो गया नोट तो बताओ आप लोग। नोट हो जाए तो बताओ। नोट हुआ आप लोगों का?
क्या होगा इसकी? नोट हो गया? कितना आएगा इसका आंसर? सभी लोग राइट बता दो एटलीस्ट, कुछ और सीखते हैं। देखो ये किसी का आता है क्या? एटी नाइन सर। एटी नाइन का ओनली आएगा, सिर्फ आएगा ना? यस सर। ओनली 89 आएगा? हाँ सर। सिर्फ 89 आएगा? सर एक्स का एक्स रेस टू सिक्स भी होता देखा ही नहीं, सॉरी सर। क्या एक्स की वैल्यू क्या? सर एक्स की पावर सिक्स भी आपने लिया है ना, वो तो देखा ही नहीं। हाँ वो तो है। सही कैलकुलेशन करो आप लोग, मुझे लगा ये क्वेश्चन बता दोगे तो हम कुछ और सीखते हैं। क्या हुआ आपका? क्यों ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर डायरेक्ट दे सकते हो आप लोग, इनमें भी टाइम ले रहे हो। अभी आया कि नहीं सही आंसर आप लोगों का? चलो देखें। चलो देखते हैं स्टूडेंट। देखो क्या लिखा गया है, एक्स के पावर सिक्स माइनस 88, एक्स के पावर फाइव
प्लस 88 एक्स की पावर 4 माइनस 88 एक्स की पावर 3 प्लस 88 एक्स की पावर 2 माइनस, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है 90 है, अगर ये भी 88 रहता तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे माइनस 90 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस का 88 एक्स माइनस 2 एक्स कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है अगर ऐसा कर देंगे तो? नहीं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो हमारी फिनिश हो गई, क्या हो जाएगी, माइनस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस टू एक्स पहले से है, प्लस टू तो टोटल क्या हो गया, माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू 87 प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 8 3 24 प्लस 26 प्लस टू, क्या हो गया, माइनस 259। समझ में आया क्या, क्या किया था हमने, यही तो ब्रेक कर रहे हैं ना, हमारे पास जो कंडीशन दिया है उससे एक के ज्यादा में हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं, बस यही हमारा काम है और कोई काम नहीं हमारा। तो माइनस एक्स है ना, मैंने वहां पे प्लस एक्स ले लिया था, तो वो एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स, एक्स प्लस टू आ गया था, तो इसीलिए 89 बोला। ओके माइनस तो अभी अगर प्लस एक्स आएगा माइनस टू एक्स आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस से एक्स आएगा, माइनस से 87 प्लस टू कितना होगा, तभी 89 नहीं होगा ना, माइनस 85 तो 85 होगा, 85 आना चाहिए था ना माइनस का, हाँ प्लस कर दिया। चलो इस पे लास्ट क्वेश्चन से हल कर ले एक बार, हो गया नोट, यस सर। थोड़ा बहुत तो चेंज करूंगा, इतना चेंज करूंगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन वैसा तो नहीं दे देंगे, तो देखना आप लोग। बताओ कितना आएगा,
इस क्वेश्चन का आंसर देखो आप लोग आ रहा है। -34 है क्या सर? -34 मुझे लग रहा था ऐसा आंसर तो आना चाहिए। और किसी का -38 -38 -30 -33 चलो देखे थे -38 -34 देखो तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो सही में जो आंसर है ना तो -34 आएगा -34 ही यहाँ माइनस लगाने से कोई इफेक्ट देखो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो क्या कर लो ना माइनस कॉमन ले लो। फिर भी अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि आप इसको पॉजिटिव में पढ़े हो तो पॉजिटिव ही बना लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा -x²(-37x²)-37x²(-2)। अब इसका मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू तो प्लस हो गया, प्लस का कितना एक्स हो गया -2, ब्रैकेट में पहले से माइनस है तो 36 -2 कितना आ जाएगा -30। अच्छा थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज कर दो तो वैल्यू चेंज हो जाती है आप लोगों का। -34 इस टाइप के क्वेश्चन अब हो जाएंगे ना आप लोगों से, कैसा भी आएगा इधर उधर कुछ भी ब्रेक करके आता है तो आप 1 2 3 जो भी माइनस प्लस करना कर ले जाओगे, राइट है ना। Yes, sir. कुछ और
हो गया नोट। हो गया हो तो क्वेश्चन लिखिए। ओके रफ कर दे। यस सर। ओके अगर ऐसा दिया हुआ है x प्लस वन बाई एक्स, देखो एक्सेप्शनल केस चल रहे हैं, टू दिया हुआ आपसे ऐसा कुछ वैल्यू पूछ दिया, चलो x से पावर 90 प्लस वन अपन x से पावर 90, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आप लोग बोलोगे सर मैं तो ये जानता हूँ कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री होता है, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू होता है, राइट है, बट कितना तक करते जाओगे, वो भी मैच करे ना करे, बने ना बने, कितना तक करते जाओगे। लेकिन टू के लिए कंडीशन है ध्यान देना, यहाँ कई अदर नंबर के लिए नहीं है, यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। आप क्या करना, एलसीएम ले लो, एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टू। ये आपके कंसेप्ट है, x का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, टू एक्स को अपना लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये देखो तो क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है क्या, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, यहाँ पे यही लिखा गया है क्या, x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जीरो पर रूट लगेगा, और जीरो पर रूट, रूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है, इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू क्या हो गया वन। अगर यहाँ पे कहीं पे भी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया हुआ टू, तो ऑलवेज कैसा भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो वहां पे आप लोग x की वैल्यू क्या पुट करोगे, वन, डायरेक्ट x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप लोग, वन डायरेक्ट पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। समझा गया? समझे सभी लोग? हाँ सर। नोट करके बताऊं? डन सर। चलो भाई क्वेश्चन, चलो सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, आप देखोगे तुरंत उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, फिर भी देख लो क्वेश्चन को। ओके ये 2015 के टायर वन का क्वेश्चन है, अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी को पेन भी चलाने की जरूरत पड़ेगी। चलो पहले सीजल का ही क्वेश्चन कर लो। अच्छा अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ना, इसको डिस्कस कर लो, क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइन 98, चलो पहले सीजियर कर लेंगे फिर कर लेंगे, थोड़ा सा तो दिमाग में बताओ कितना होगा, 2015 का क्वेश्चन आपका जीरो,
कैंसिल आया जीरो। बताओ और किसी, कितने लोग ज्वाइन हो? कम से कम पांच लोग तो हो ना, पांच लोग पर एक आंसर आया, चार लोगों को क्या तकलीफ है? जीरो विकास यादव, ओके। और तीन लोगों को क्या ऐसा तकलीफ आ रही है? क्या नाम है तीन लोगों का, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पालवी आपका क्या प्रॉब्लम है? पालवी आपको वाइस आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. क्या प्रॉब्लम है आपको, क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? कितना आंसर आया वैसे? कितना आएगा पालवी? नीतीश, नीतीश शेट्टी आपको वाइस आ रही है क्या? हाँ सर। कितना आएगा इस टाइम पे? नीतीश ट्राई कर रहा हूँ सर। बस ट्राई कर रहा हूँ। अमित, अमित यादव आपको वाइस आ रही है क्या? अमित यादव, यादव जी कहाँ हो आप? वॉइस आ रही है क्या आपको? यार ऐसे यादव हो गए, ऐसे नहीं बोलोगे कैसे काम चलेगा बताओ? इधर विकास है, विकास रिप्लाई देता है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। एक आप हो गया, आपको रिप्लाई नहीं दे रहे, आपको वॉइस नहीं आ रही है क्या? चलो देख लेते हैं क्या है इसका। x प्लस वन बाई x की वैल्यू टू होती है, तो x की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है ना। जहाँ पे x है वहां पे क्या पुट करोगे? वन पुट करोगे। तो यहाँ इसका मतलब क्या, वन के पावर 12 माइनस वन अपान वन के पावर 12। तो बताओ वन के पावर 12 की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी, क्योंकि वन के पावर कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू वाले कितनी होती है? वन ही होती है। माइनस यहाँ पे भी वन अपन वन के पावर कितना होगा? 12 की वैल्यू कितनी होगी? वन ही हो जाएगी। अब वन डिवाइड बाई वन कितना होगा? वन होगा। तो वन माइनस वन कितना हो गया? जीरो होगा। यही तो क्वेश्चन, नोट कर लो आप लोग जिन लोगों का नहीं हुआ। हो गया होगा नोट। इसका आंसर बताओ आप लोग कितना होगा? जीरो। नहीं नहीं जीरो, जीरो को आप मुंह से जीरो मारो, कुछ भी हो जीरो जिंदाबाद है। आपने वहां पे 2/40 लिया ना, मैंने 1/40 समझा। हाँ वैसे ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, ध्यान देना पड़ता है। अब तो आ गया होगा। माइनस वन, माइनस वन।
और किसी का भी। अब बताओ, अब इससे सिंपल कंसेप्ट तो नहीं चलेगा ना क्लास में, आपको वैल्यू जहां या तो वहां पर वन को प्रूव करना है। बताओ इससे छोटा क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्योंकि वन और जीरो प्रूव करना हो सबसे अच्छे नंबर होते हैं जीरो और वन, जिनमें कैलकुलेशन एकदम होता ही नहीं, जीरो और वन में कैलकुलेशन होता ही नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, वो भी कैलकुलेशन आप ना कर पाओ तो फिर क्या बोल रहे हैं। चलो आ जाएगा किसी को, विकास यादव माइनस रिप्लाई दो ही लोगों का आ रहा है, पांच में दो लोगों का रिप्लाई आ रहा है, तो मलाय विकास। चलो देख लेते हैं क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू वन रखना है ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन ही रखोगे ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू है, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे वन रखोगे, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखोगे वन रखोगे, तो एक्स पावर माइनस फोर सी प्लस वन के पावर माइनस ए माइनस वन अपान माइनस वन के पावर ट्वेंटी माइनस टू अपान वन के पावर, अच्छा यही तो है। अब वन के पावर माइनस में हो या वन के पावर प्लस में हो, वैल्यू तो वन ही आने वाली है, वन के पावर प्लस में हो या वन के पावर माइनस में हो, वैल्यू तो वन ही आने वाली है, तो फिर क्या तकलीफ है, वन हो जाएगा, ये भी कितना जाओ वन, ये वन अपन वन के पावर ट्वेंटी, तो वन के पावर ट्वेंटी वन होता है, वन डिवाइड बाई माइनस टू, आंसर कितना आ जाएगा माइनस टू। बताओ हो गया। हाँ सर। इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जीरो। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि क्वेश्चन लिखते समय ही आंसर, मतलब आपके पास क्वेश्चन है तुरंत आंसर हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि ये सब में टाइम नहीं बचाओगे तो कहाँ बताओ, हार्ड क्वेश्चन में टाइम वैसे भी नहीं बचाओगे, तो फिर से लगना ही लगना टाइम है, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ वो अलग बात है, तुक्का मारे लग गया सही हो गया, जीरो विकास का भी जीरो आ गया। चलो देख लो जीरो ही आएगा ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी वन आएगी ना, रखो यहाँ पे वन के पावर क्या होगा माइनस वन सिक्सटी नाइन माइनस वन अपान सिक्सटी नाइन, तो मैंने अभी बताया वन के पावर माइनस में कुछ समथिंग पावर हो या प्लस में हो उसकी वैल्यू तो वन आएगी, जीरो ही आएगी। चलो दूसरा कुछ कंसेप्ट देखते हैं, तो जाते जाते ना एक जनरल क्वेश्चन करके चलेंगे हम लोग, जनरल क्वेश्चन बिल्कुल जनरल क्वेश्चन करके चलेंगे जो कि आप लोग करके दोगे, ठीक है, वो सीजीएल का 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इतना हमने अलजेब्रा पढ़ रखा है, इतना चीजें देखा है, तो फिर कुछ चीजें तो हमें आनी चाहिए, हो गया होगा नोट। यस सर।
चलो तो हो गया था, हम लोग कुछ काम सीखते हैं। अगर ऐसा हो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, अच्छा यहां नहीं दिखाई देगा, आप लोग बता देना कि वहां पे नहीं दिखाई देगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू हो गया। अभी तक क्या यहाँ प्लस टू था, माइनस टू गया, हम लोग अप्लाई करके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, एक्स का टू क्या आ जाएगा, माइनस का टू, ये माइनस टू एक्स है ना राइट हैंड साइड में, इसको लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी, ये ए प्लस बी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे यही सेम चीज देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स प्लस वन का क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, करके देखो एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस क्या आएगा, टू एक्स आएगा। अब यहाँ पे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो जीरो पे रूट लगेगा, एक्स प्लस वन क्या होगा, जीरो, जीरो की वैल्यू वन ही होती है, मतलब जीरो ही होगी, जीरो का रूट जीरो ही होगा, यहाँ पे प्लस वन इधर जाएगा क्या होगा माइनस, इसका मतलब इक्वल टू माइनस टू गिवेन है, उसकी वैल्यू आएगी कितना, उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस वन, यानी जहां पे एक्स देखोगे वहां पे क्या रख दोगे, माइनस का वन पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपको। ये सेकंड एक्सेप्शनल कंडीशन, हो गया नोट, यस सर, क्वेश्चन देख लो, दो चार क्वेश्चन एक भी देख लो, बताओ कितना आएगा, माइनस वन, माइनस माइनस कितना बोला आप, और किसी का वन, विकास का वन आया, माइनस वन वन,
देखें ना आया, वन आया। देखो क्या करोगे, अगर x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू है ना, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस का वन हो जाएगी। यहाँ पे माइनस वन रखो तो माइनस वन के पावर क्या होगा 69, प्लस माइनस वन के पावर क्या होगा 79, प्लस माइनस वन के पावर कितना हो जाएगा 20, प्लस माइनस वन के पावर क्या हो जाएगा 80, अब माइनस कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के पावर जो ऑड होता है, माइनस के पावर जो ऑड नंबर होता है तो वैल्यू आती है नेगेटिव, जब माइनस के पावर इवन नंबर होता है तो वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है, ध्यान देना। देखो 69 क्या एक ऑड नंबर है क्या, जब 69 एक ऑड नंबर है तो माइनस वन के पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस का वन। यहाँ पे भी ऑड पावर है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस का वन। 20 इवन नंबर है क्या हो जाएगा प्लस का वन, 80 भी इवन नंबर है तो क्या होगा प्लस का वन, ये माइनस वन। तो देखो माइनस माइनस बच्चा क्या माइनस, प्लस वन ना आया क्या, फिर वैल्यू कितना आ रही थी माइनस का वन आ रही थी। ऑन करना है ना, हो गया यस सर, ओके ओके रफ कर दे। टू इसकी वैल्यू आ रही है टू, और विकास आपको भी तो आ गया होगा, चलो देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका मतलब x की वैल्यू कितना होगी माइनस का वन, यानी जहां पे x है वहां पे माइनस वन रख दो, यहाँ पे रख दो माइनस वन के पावर क्या होगा माइनस 80 से माइनस वन अपान माइनस वन के पावर 80 से। देखो यहाँ पे माइनस नेगेटिव है तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पावर में नेगेटिव है तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस इवन है कि ऑड है ये देखना जरूरी है। तो ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा इवन होगा तो वन आएगा, यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा माइनस का वन आएगा, तो वन और माइनस वन का डिवीजन कितना हो जाएगा माइनस का, आप ये माइनस का माइनस क्या होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन, बिल्कुल ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का हुआ गया डन सर डन।
एक और क्वेश्चन, पहले बताओ तो बहुत अजीबो गरीब दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनका कोई रिलेशन ही नहीं दिखाई दे रहा है। वन वन आ रहा है, वन आएगा, कोमल कितना आ रहा है आपका, वन आ रहा है ना। वन तो किसी एंगल से नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बट बोल रहे हो साथ से तो नहीं भी हो सकता है, चेक करते हैं। और किसी का माइनस इलेवन, ओके माइनस इलेवन, नाइन कैसे आ रहा है। आपका माइनस इलेवन आया ना, माइनस इलेवन सर, मैंने वन इसलिए बोला था क्योंकि मैंने क्वेश्चन में प्लस सिक्स लिख लिया था, आपने माइनस सिक्स लिया इसलिए माइनस इलेवन। हाँ ऐसे ही लिखा करो क्वेश्चन में, एक एक ना माइनस प्लस अपने से हटाता रहा, ऑप्शन भी माइनस प्लस होने से शायद मैच कर जाएगा, तो आंसर ठीक करके भी आना है आप, आंसर ठीक करके आना, सारे आंसर सही होते हैं भी क्या करना, नेगेटिव मार्किंग लेके आना। देखो यहाँ पे क्या है, जिन लोगों का नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी, आप तो ये जानते ही हो क्योंकि वही पैटर्न नहीं चल रहा था, एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो तो माइनस वन के पावर क्या होगा, सिक्सटी सेवन, माइनस वन अपन माइनस वन के पावर क्या हो जाएगा, फिफ्टी नाइन, प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस वन के पावर क्या होगा, माइनस ट्वेंटी वन, प्लस थ्री माइनस वन के पावर क्या होगा, थर्टी सेवन, माइनस, देखो माइनस वन के पावर सिक्सटी सेवन है क्या, ऑड नंबर है तो क्या होगा, माइनस वन होगा, ये फिफ्टी नाइन ये भी ऑड नंबर है, माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस का वन हो जाएगा, माइनस वन के पावर माइनस ट्वेंटी वन है ये क्या ऑड नंबर है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फाइनल माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या थर्टी सेवन ऑड नंबर है, माइनस वन के पावर ऑड नंबर माइनस होगा, अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, माइनस का सिक्स ये कैंसिल, तो माइनस हो गया। हो गया,
हो गया ना। चलो एक जनरल क्वेश्चन करो 2015 का टायर वन का क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को लाइक करो। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन सभी को आ जाना चाहिए। ऑप्शन लिखना है क्या इसका आप लोगों को? ऑप्शन लिखना आप लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन है वन बाई टू, फर्स्ट ऑप्शन है वन बाई टू, सेकेंड है थ्री बाई सेवन, थर्ड है टू एंड फोर्थ वन है थ्री। ये 2015 का आपका क्वेश्चन है। किसी का आंसर कोमल, विकास, पालवी, नीतीश, अमित, कोई तो बताए आंसर है। मैंने पहले बताया जनरल टाइप का क्वेश्चन है। ये भी है कि 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ये भी नहीं ज्यादा है बड़ा क्वेश्चन। इसका इन द सेंस विदाउट पेन और पेपर भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। विदाउट पेन और पेपर भी कर सकते हो इसको।
चलो 1/2 तो आया, देख लेते हैं क्या है। मैंने बोला ना 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन अगर लॉजिक नहीं बैठा, नहीं माइंड में आया, तो फिर तो करते रहो, प्रॉब्लम भी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1। अब x+1/x=1 की वैल्यू दिया हुआ है कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना, ऊपर भी x से डिवाइड करते हैं, नीचे भी x से डिवाइड करते हैं। देखो ऊपर डिवाइड करेंगे तो x/x + 3x/x अब +1/x ये आएगा, नीचे भी x से डिवाइड करो तो क्या हुआ, x²/x + 7x/x + 1/x। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x+3+1/x। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x+7+1/x। तो फाइनल यहाँ पे क्या बनेगा, x+1/x एक साथ कर दो +3, फिर यहाँ पर तो एक साथ कर लो प्लस का है, x+1/x की वैल्यू कितना है दिया है 1, 1+3/1+7 कितना गया 4/8, तो कितना गया 1/, समझ में आया क्या, यही क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू कितना जाएगी 1/2। अब ये चीज माइंड में भी अगर कैलकुलेट कर सकते थे, अगर डिवाइड वाला कंसेप्ट आ जाता माइंड में, तो अगर डिवाइड वाला कंसेप्ट माइंड में आ जाता तो ये लोग आप लोग माइंड में भी कर सकते थे। हो गया नोट, नोट हो गया आपको पास, स्टूडेंट नोट हो गया आप लोगों का। ओके तो मीटिंग एंड करें, ठीक है मीटिंग एंड करते हैं आज के लिए, चाहे जरूर देते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय।